अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मां नहीं दिखूंगी। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर कुश्ती संघ पर अपना दबदबा बना लिया है। कुश्ती संघ के चुनाव में उनके करीबी संजय सिंह बबलू की जीत के बाद विवाद भी शुरू हो गया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाने वाले तमाम नामी गिरामी पहलवान इस चुनाव के बाद एक बार फिर सामने आ गए। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने मीडिया से बात करते हुए संन्यास की घोषणा कर दी। वहीं इसके बाद बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री सम्मान प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रखा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस की महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें खूब चर्चा में हैं। प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि आखिर क्या बातचीत हुई। उस बात से दुखी होकर हमारी एकमात्र ओलंपिक की पदक विजेता पहलवान ने अपना जो है पहलवानी से अपना संन्यास की घोषणा करी। बड़ा दुखद है और हमारे हमारे देश के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाया, वो भी बहुत ही दुखद है। इस बात पर मैं प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने आई थी। उनको यही उन्होंने कहा कि संन्याय की लड़ाई में वो उनका पूरा साथ देंगे और ऐसी घड़ी में प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने, बजरंग पुनिया बाकी पहलवानों से मिलने वो लोग प्रियंका जी आई थी और उनको उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में आखिर तक उनका पूरा साथ प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी देंगे। एक ओर प्रियंका गांधी ने मुलाकात की तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे कांग्रेस को ही आड़े हाथ ले लिया। वैसे मैं इस संबंध में बोलना नहीं चाहता, न मैं बोलूंगा, ये उनका निजी फैसला। मैं इस विषय में नहीं बोलूंगा, ये उनका निजी फैसला है और प्रियंका वाड्रा जी गई है ये उनका फैसला है और प्रियंका वाड्रा जी को उन्होंने अपने घर पर बुलाया है ये उनका फैसला है। आने वाले समय में वो राजनीति करते हैं या खेलना चाहते हैं ये उनका फैसला है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह भले ही चुनाव में बाजी मार ले गए हों लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।